नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 20 अक्टूबर को वाराणसी के अपने दौरे के दौरान देश भर में 6,101 करोड़ रुपए से अधिक की कई हवाई अड्डा परियोजनाओं समेत अनेक विकास कार्यों की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री मोदी ने पवित्र नगरी में आर्य शंकर नेत्र अस्पताल का भी उद्घाटन किया, जो विभिन्न नेत्र रोगों से संबंधित व्यापक परामर्श और उपचार प्रदान करेगा। इसके अलावा मोदी ने लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रनवे के विस्तार और नए टर्मिनल भवन के निर्माण और संबंधित कार्यों की आधारशिला रखी, जिसकी कुल लागत लगभग 2,870 करोड़ रुपए है। पीएम मोदी ने इन प्रमुख परियोजनाओं के अलावा और भी कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी कर दी है। इसमें 68 में से 66 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व सीएम चंपई सोरेन को सरायकेला विधानसभा सीट, जबकि बाबूलाल मरांडी को धनवार से मैदान में उतारा है। बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में बीजेपी 68, आजसू 10, जेडीयू 2 और लोजपा 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इंडिया गठबंधन के साथ विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। कांग्रेस और झामुमो 81 में से 70 सीट पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। वहीं शेष 11 सीट के लिए गठबंधन सहयोगियों राष्ट्रीय जनता दल और वामपंथी दलों को देने पर बातचीत कर रही है। हालांकि अभी इन 10 सीटों पर सीट शेयरिंग को लेकर फाइनल मोहर नहीं लगी है। बता दें कि राज्य में विधानसभा चुनाव 13 और 20 नवम्बर को दो चरणों में होंगे और मतगणना 23 नवम्बर को होगी। दिल्ली के रोहिणी इलाके में आज सुबह एक तेज धमाके ने लोगों के बीच अफरा तफरी मचा दी और इस घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। धमाके की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने तत्काल कार्रवाई की। अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया गया। इस दौरान आसपास के क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए। बता दें कि सीआरपीएफ स्कूल सेक्टर 14 के पास एक विस्फोट हुआ है, जिसमें स्कूल की दीवार क्षतिग्रस्त हो गई और आसपास तेज दुर्गंध फैल गई। कई दुकानें और पास में खड़ी कारों के शीशे भी टूट गए। गृह मंत्रालय ने अब दिल्ली पुलिस से रोहिणी ब्लास्ट की रिपोर्ट मांगी है। वहीं इस मामले में अब एनआईए की टीम स्पॉट पर पहुंचकर जांच एजेंसियों की मदद कर रही है। बारामूला जिले के उरी क्षेत्र में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। भारतीय सेना के चिनार कोर ने एक पोस्ट में बताया कि आतंकवादियों की संभावित घुसपैठ की खुफिया जानकारी के आधार पर संयुक्त रूप से एक ऑपरेशन शुरू किया गया और सतर्क सैनिकों ने संदिग्ध गतिविधियों का पता लगाया और चुनौती दी, जिसके परिणाम स्वरूप आतंकवादियों ने अंधाधुंध फायरिंग की। चौकस सैनिकों ने प्रभावी फायरिंग के साथ जवाब दिया और इस बीच जम्मू कश्मीर पुलिस ने पुंछ जिले से 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया। अमेरिका के 2 बेहद खुफिया दस्तावेज लीक होने से हड़कंप मच गया है। दरअसल इन लीक दस्तावेजों में कथित तौर पर ईरान पर इजरायली हमले के लिए सैन्य तैयारियों का जिक्र किया गया है। लीक दस्तावेज अमेरिका की नेशनल जियो स्पेशल इंटेलिजेंस एजेंसी के हैं और ये एजेंसी अमेरिका के जासूसी उपग्रहों द्वारा ली जाने वाली तस्वीरों और सूचनाओं का विश्लेषण करती है। लीक दस्तावेजों में इजरायली सेना के अभ्यासों और परिचालन के बारे में जानकारी है। गौरतलब है कि इजरायल और ईरान के बीच लंबे समय से तनाव काफी बड़ा हुआ है। लीक दस्तावेजों में से एक का शीर्ष इजरायल वायु सेना ईरान पर हमले की तैयारी कर रही है और इनमें हाल ही में किए गए इजरायली सैन्य अभ्यास की रूपरेखा दी गई है। और इन लीक दस्तावेजों से पता चलता है कि इजरायल ईरान पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर की खुदाई कर सर्वेक्षण कराने का अनुरोध करने वाली याचिका पर हिंदू और मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पूरी हो गई है और हिंदू पक्ष के अधिवक्ता ने संभावना जताई है कि अदालत 25 अक्टूबर को होने वाली अगली सुनवाई पर अपना आदेश सुना सकती है। सुनवाई में मुस्लिम पक्ष और वक्फ बोर्ड के अधिवक्ताओं ने अपनी बहस पूरी की और हिंदू पक्ष पहले ही अपनी दलीलें दे चुका है। मदन मोहन ने बताया कि मुस्लिम पक्ष ने अदालत में उच्च न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए मामले का शीघ्र निपटान करने की बात कही। शपथ ग्रहण के साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह एक्शन मोड में आ चुके हैं और लगातार प्रदेश के नागरिकों के हित में धुआंधार निर्णय ले रहे हैं। इसी कड़ी में आज चंडीगढ़ स्थित संत कबीर कुटीर में स्थानीय निकाय और पंचायती विभाग के अधिकारियों के साथ सीएम ने बैठक की और हरियाणा में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों की व्यापक समीक्षा की। इस दौरान सीएम ने पंचायत विभाग के कार्यों की समीक्षा भी की और पंचायत के रुके हुए विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि हमारी सरकार बन गई है और अब सबसे पहले जो नागरिक अस्पताल में एस्केलेटर लगाया है उसका उद्घाटन कल सोमवार को किया जाएगा। वहीं कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने फिर से अधिकारियों को चेताते हुए कहा कि यहां पर वही अधिकारी रहेगा जो काम करेगा। विज आज मीडिया कर्मियों के सवालों का जवाब दे रहे थे और उन्होंने कहा कि हमने तो चुनाव खत्म होते ही जो भी विकास कार्य चल रहे हैं उसका मुआयना करना शुरू कर दिया है और अधिकारियों को आदेश दिया है कि तेज गति से कार्यों को पूरा किया जाए।
कांग्रेस छोड़ने के दो दिन बाद हरियाणा के पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव अपने फैसले से पीछे हट गए हैं। कैप्टन अजय सिंह यादव ने कहा कि वे जन्मजात कांग्रेसी हैं और आखिरी सांस तक कांग्रेसी बने रहेंगे। अजय सिंह यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि उनके बेटे और पूर्व विधायक चिरंजीव राव ने अतीत को भुलाकर पार्टी के पक्ष में काम करने के लिए उन्हें समझाया है। अजय सिंह यादव ने सोनिया गांधी के पार्टी अध्यक्ष पद से हटने के बाद अपने साथ खराब व्यवहार किए जाने का आरोप लगाते हुए गुरुवार को पार्टी छोड़ दी थी, लेकिन अचानक लिया यू टर्न चर्चा का विषय बन गया है। हरियाणा में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के 24,000 पदों का रिजल्ट जारी होने के बाद चयनित युवाओं को ज्वाइनिंग कराने का काम शुरू हो गया है। ज्वाइनिंग रोकने के लिए दाखिल याचिका को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पहली सुनवाई पर ही खारिज कर दिया। चयनित युवाओं की ज्वाइनिंग रोकने के लिए विपिन सागर ने हरियाणा सरकार और अन्य के विरुद्ध अधिवक्ता KDS हुड्डा के माध्यम से याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने अपना मजबूती से पक्ष रखा। फिलहाल टॉप 10 न्यूज में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़दी कला टाइम टीवी।